पैकिंग करें और गंद ना पड़े, ये कैसे हो सकता है? बाय द वे, ये मेरा ना वर्किंग रूम है और जितने भी पार्सल या कोई भी काम होता है ना प्लांट से रिलेटेड, मैं यहीं पे करता हूँ। और पहले ना इस जगह पे ना हमारा इनक्यूबेटर भी पड़ा रहा है। और अब तो गाइस आप सबको ना पता होगा कि वो इनक्यूबेटर ना फॉर्म पे शिफ्ट हो गया है और वहीं पे ना चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने ना अपनी तरफ से जितने भी मुझे ना मैसेजेस रिसीव हुए थे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, वो सारे पार्सल ना मैंने पैक कर दिए अपनी तरफ से। तो ना मैंने भरपूर कोशिश की है कि किसी बंदे को ना नाराज ना करूं। एक दो बंदों ने ना मुझे कुछ और भी चीजों का कहा था, मैंने वो भी पैक कर दिए। मैंने कहा कि यार अगर उनको चाहिए तो फिर जो है ना भिजवा देनी चाहिए। तो ऐसे है जी के चार पार्सल ना मैंने कल डिस्पैच कर दिए थे और वो मैसेजेस ना मुझे पहले रिसीव हुए थे और तकरीबन ना ये चार अब पैक हुए हैं। ये बाय द वे ना बॉक्स में प्लांट्स हैं, ये वाली डील नहीं है, ये और है। ये कल मैंने प्लांट्स लगाए थे और वो जो है ना सेल हुए थे, वो भी मैंने ना पैक कर दिए। अब ये भी जो है ना भिजवाने हैं। तो चार पार्सल ये पैक हुए पड़े हैं, तो अब दो पार्सल सिर्फ रह गए हैं, वो मैं आके ना पैक कर लूंगा। असल में वो चाह रहे थे कि अगर सेम सिटी में दो बंदे मंगवा रहे ना तो हम डीसी ना शेयर कर लेंगे। तो उनके ना मुझे पैसे आ चुके हैं, लेकिन अब मैं ना फार्म पे जाना है, वहां पे ना सारे पेट्स जो है ना वो इंतजार कर रहे होंगे, उनको जाके फीड डालनी है और जाके और भी काम करने वाले हैं। पहले वो कर लें, फिर आके ना इनको पार्सल को सारों को ना एक ही दफा डिस्पैच कर देंगे। कोशिश करेंगे कि लेपर्ड वाला बंदा आ जाए, अगर वो ना आया तो फिर मैं खुद ही जाके ना वहां पे डिस्पैच कर दूंगा। ऐसे ही मेरी जाते जाते ना नजर पड़ गई, ये मैं ना कल छत से प्लांट लेकर आया था पोटोटोरम क्रीम एज का। इसके मैंने ना ऑफसेट किसी दोस्त को भिजवाने थे, तो खैर मैंने ना इसे उतार के वो पैक करके भिजवा तो दिए, लेकिन ये प्लांट ना यही का यही पड़ा रह गया। इसको बिना ज्यादा देर यहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि अगर ये ज्यादा देर यहाँ पे रह के ना धूप में एक्सपोज होगा ना तो ये फौरन जो है ना सनबर्न हो जाएगा। तो ये अभी के अभी ना फार्म तो जा ही रहा हूं, तो इसको भी ना ले चलते हैं। हमारे नेवर में जी फरहान भाई ने बड़ी हिम्मत की थी, पटूनिया यहाँ पे ना लगाया, लेकिन केयर ना करने की वजह से ना सारा ही एकदम ही जल गया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ये मेरी जो है ना यहाँ पे फार्म की बाउंड्री वॉल पे ना सारे पॉट्स पड़े हुए थे और सिर्फ पानी ना देने की वजह से ना सारे एक ही दिन में ना जल गए हैं। इनकी ना बड़ी केयर करनी पड़ती है, स्पेशली ये जब बहुत ज़्यादा एकदम हीट हो जाए ना तो फिर इन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना सुबह सुबह आके ना तकरीबन 8 बजे, माशाल्लाह 8 बजे आके ना ये सिल्की और स्पाटर को ना मैं खोल गया था, क्योंकि गर्मी बे था आशा है, तो मैं नहीं चाह रहा था कि ये ना काफ़ी देर तक बंधे रहे अपने केज में। तो फिर मैं इनको खोल गया और मुझे ना बड़ी उम्मीद थी कि ये कुछ ना खा लेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा देर तक ना केज में रख नहीं सकते। इनके ना फीडर्स बहुत बड़े हैं और इनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, अभी भी जो है ना पानी पी रहा है। अच्छा, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इनको ना मैं फीड नहीं डाल के गया। वो देखें वहाँ पे ना इनका ट्रे रखी और फीड डाल के गया था मैं, और मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने ना अंडा भी दे दिया, शायद इन्होंने बाहर ही दे दिया। नहीं, ये तो जो है ना डमी एग पड़ा हुआ है, मुझे लगा कि शायद इन्होंने ना एग ले कर दिया बाहर ही। मुझे लगता है इन्होंने ना केज में एग दिया होगा, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, वो पड़ा हुआ है एग। और मुझे ना अभी याद आया कि रैबिट्स का ना मैं खाना जो है ना घर ही भूल आया हूँ, उनके लिए ना वाटरमेलन के ना छिलके मैंने काट के रखे हुए थे। अब पहले इनको फीड डाल देते हैं, फिर जाके ना जल्दी से घर से ना वो पकड़ लाएंगे, क्योंकि रैबिट्स को तो मैंने ना रात को भी आके ना कुछ डाल दिया था, लेकिन ये जो है ना काफी देर से भूखे। लें फ्रेंड्स, सबको दाना पानी डाल दिया है और अभी मैंने ना जैकोपिन का केज ओपन किया, ये साथ ही ना जैकोपिन दोनों जो है ना बाहर आ गए हैं। इनको भी बहुत ज़्यादा ना गर्मी लग रही थी और मैं देख रहा हूँ कि सभी जो है ना पेट्स वो बहुत ज़्यादा ना गर्मी से ना उकताए हुए हैं। मैं तो अपनी तरफ से ना भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, अब मेरा खुद का हाल देख लें कि क्या है, गर्मी है ही इतनी ज़्यादा, क्या किया जाए। अपने चूजे ही ना इस टाइम शदीद किस्म के ना आवाज़ आ रहे हैं, देखें किस तरह जो है ना मुँह खोल के ना सांस ले रहा है। और अब ना मैं तो खैर जा रहा हूँ, जाके ना रैबिट्स के लिए उनके खाने का ना कोई इंतजाम किया जाए, वो जो वाटरमेलन कटा हुआ है ना वो लेकर आऊँ।
फिर आके ना इनको बाहर निकालते हैं चूजों को, ये भी यहाँ पे ना घूम फिर लें, हवा ठंडी ना ले लें, और वैसे भी ना घास को पानी लगा हुआ है नीचे से भी ना ठंडक उनको ना मिलेगी। घर वालों ने ना यहाँ पे रखा हुआ था लेकिन मुझे ही भूल गया जाते हुए, चलते हैं अब इसको लेके। गाइस कल ना इत्तेफाक हुआ, मैं ना अभी यहीं गेट के पास ही खड़ा हूँ और पता चला जी कि रैबिट्स के केज में ना दो और बच्चे नए आए हैं। दिए तो काफी ज्यादा होंगे लेकिन बच्चे जो है ना वो दो ही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बाहर आए हुए हैं क्योंकि ना छोटे बच्चे ना वो जल्दी डर के ना भाग जाते हैं, तो मैं जैसे ही ना केज के पास आऊंगा ना तो वो भाग जाएंगे। मैंने कहा चलें यहीं पे ना खड़े होके फिलहाल दिखाते हैं। ये जो छोटा सा ब्राउन बैठा हुआ है ना बेबी, ये देखिए ये ब्लैक कलर के ना बेबी है, ये जी न्यूली बॉर्न है। तो गाइज मैंने आपको बताया था ना कि हमारी एक फीमेल रैबिट ना अनकरीब बच्चे देने वाली है, ये वाले बच्चे ना उसके नहीं है क्योंकि ये फुली ना कवर्ड होके बाहर निकले हैं। ये तकरीबन ना 1.5 माह के तो होंगे। अब अंदर जो इन्होंने रोड्स बनाई हुई है वहां क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता, उम्मीद है कि और ज्यादा ना निकलेंगे। अभी भी चुन्ना मुन्ना सा ना यहीं पे बैठा हुआ है, डर नहीं रहा है। एक और बाहर निकला है, जैसे ही मैं इनके पास जाऊंगा ना तो फौरन डर के ना अंदर भाग जाएंगे क्योंकि अभी ना इनको 2 दिन ही हुए हैं बाहर निकले, तो अभी ये थोड़ा सा ना डर रहे हैं। अच्छा हैरत वाली बात है कि इनका ना कलर अपने फादर पे ही चला गया। मैं सोच रहा था कि चले कोई और कलर निकलता, जैसे वाइट है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ना वाइट है, लेकिन वाइट जो है ना अभी तक कोई भी नहीं निकला, ज़्यादातर जो है ना ब्राउन और ब्लैक ही निकल रहे। ट्रे पता नहीं क्यों इतनी दूर ले जाते हैं रोज़ाना के रोज़ाना ना, अब पहले ट्रे निकालते हैं, इसको वॉश करते हैं और फिर जो है ना इनको डालते हैं, आराम से निकल आए। ये बकायदा ना खींच के उधर ले के जाते हैं। लें गाइस ये खा लें, और अब मैं जाके ना चूज़ों को बाहर निकाल लेता हूँ। बड़ी देर से ना वो मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, थोड़ा सा ना घास पे चलेंगे ना तो थोड़ी सी इनको ना ठंडक सी फील होगी। यहाँ पे ना बास्केट पड़ी हुई है, ये ले लेते हैं और इसमें ना डाल लेते हैं। और बाय द वे देखें जी कीड़ियों के हालात, अभी दाना थोड़ी देर पहले डाला है और हर तरफ ना कीड़े ही कीड़े हैं। यहाँ से ना वो भी दाना इकट्ठा करने आए हैं, इवन केजेस के अंदर घुसे हुए हैं। इन पे मैं कूपेक्स डालूंगा ना तो ये सारे के सारे मर जाएंगे, लेकिन मैं ये करना नहीं चाह रहा। अब ये यहाँ से ना उठा लें जितना दाना इन्होंने उठाना है, फिर इनकी ना बाउंड्री जहाँ से घुसे ना वहाँ पे कूपेक्स डालना पड़ेगा, वरना ये यहाँ पे ना खड़ा होने भी नहीं दे रहे, मुसलसल जो है ना पाँव को काट रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कुछ जो है ना बर्ड्स वो इनसे ना तंग आए हुए हैं, मतलब जहाँ पे देखे ना वहीं पे जो है ना ये घुसे हुए हैं, कोई इन्होंने केज नहीं छोड़ा कि जहाँ पे ना ये दाना उठाने ना आए हों। यहाँ से टोकरी लेते हैं और इसको ना इस जगह पे ना हैंग कर देते हैं और फिर एक एक चूज़ा पकड़ के ना इसके अंदर डालते जाते हैं। ओए हो इस चूज़े के क्या हालात हैं, ज़िंदा ही है लेकिन टांगों से ना बुरी हालत में है। बहरहाल इसको भी बाहर निकालते हैं, बाकी चूज़े पकड़ते हैं फ़ौरन। और अब इस बास्केट को ना बाहर कहीं ठंडी जगह पे रखते हैं। अब इनको ना यहाँ पे घास पे छोड़ देते हैं और वो जो जाली पड़ी हुई है ना वो इनके ऊपर डाल देते हैं, ऊपर से ना चील का ना अटैक हो जाए, ये ना हो के लेने के देने पड़ जाए। तो गाइस ये हैं हमारे न्यूली बॉर्न, और ये जो चूजे हैं ये 2 महीने पहले के हैं या शायद इससे भी बड़े हैं। अब इनको ना कभी मैंने यहाँ पे गार्डन पे ना ला के छोड़ा नहीं है, अब ये यहाँ पे आके ना थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि ये कौन सी चादर है कि जिसके ऊपर ना हमें खड़ा कर दिया है, और मुसलसल ना एक ही जगह पे काफ़ी देर से ना खड़े हैं और एक दूसरे को ना देख ही जा रहे हैं बड़ी फटी फटी ना आंखों से। अब जाके ना वो जो पीछे वाला चूज़ा है ना उसने नीचे से ना कोई चीज़ उठा के खाना शुरू की है, वरना ये बड़ी देर से ना यहीं पे खड़े थे। और अभी भी ये जो 3 खड़े हैं ना ये स्टिल अपनी जगह पे ना हिलने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि ना इन्होंने कभी ना केज से निकल के देखा ही नहीं। और अभी भी स्टिल ना एक एस्ट्रोलॉग का ना चूज़ा जो सेम बैच का है वो केज के अंदर ही है, वो सोच रहा है कि भाई मुझे पता नहीं ये क्यों छोड़ के चले गए हैं। अभी बेचारा हांफ रहा है और निकलने की ना कोशिश में लगा हुआ है, इसको भी ना बाहर निकाल लेते हैं। बाकी ना अब इनको बल्कि इनको क्या सभी को ना हमारे जो सिल्वर सब्राइट की जितनी मुर्गियां ना उनको थोड़ा सा ना अपनी जो शावर वाली बॉटल है ना उसमें पानी डाल के ना थोड़ा शावर करते हैं, ठंडे पानी का ना शावर पड़ेगा ना थोड़ी सी ना इनको होश आएगी।
लग रहा है कि गर्मियों का ना सीजन इसी तरह निकालना पड़ना है। और मैं तो भूल ही गया कि इनक्यूबेटर के ना हालात ये थे, जब मैं यहाँ पे आया था ना टेम्परेचर जो है ना 40 के करीब था, अभी भी 38.2 और दिन के टाइम मजाल है कि टेम्परेचर जो है ना 38 के करीब करीब ही आई, ये 40 तक ही रहता है। और चूजे ना इस टाइम दो निकले, एक ऊपर वाली ट्रे में मैं देख रहा हूँ और एक ये नीचे घूम रहा है। और इस टाइम मैंने टेपे भी उतारी हुई हैं और वो कह रहे होंगे कि भाई हमें इस तंदूर से ना जल्दी जल्दी निकाल लो। और देर क्या करनी है भाई, निकाल ही लेते हैं और दरवाजा ना थोड़ी देर के लिए ओपन रहने देते हैं ताकि हीट जो है ना वो बाहर निकल आए। ये मुझे ऊपर जो बैठा हुआ चूजा ना, ये इसकी शक्ल से ना मुझे लग रहा है, जो इसकी फर है ना, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये सिल्की और बफ का ना क्रॉस है। और बिल्कुल ये जो शेल भी पड़ा हुआ है ना, लिखा भी हुआ है कि ये बफ का ही है चूजा। तो अब इसको निकालते हैं और इनको ना बाहर लेके जाते हैं, ये यहीं पे ना इनको फिलहाल शिफ्ट कर देते हैं। आ जाओ भाई, फिलहाल ना आप लोग इधर ही रहो क्योंकि अभी अभी जो है ना हीट से निकले हो, ये ना हो के आपको ना ठंड लग जाए। और यहाँ से मैंने चलानी है मोटर, जाके फिल करते हैं अपना स्प्रे का टैंक। आ जाओ भाई, छोटे चूचूस, बड़े चूचूस और बफ, जिसने नहाना ना ठंडे पानी से आ जाए, फिर ना कहना कि ठंडे पानी से ना नहलाया नहीं। पंप भी ना इस टाइम जवाब दे गया है, बिल्कुल जो है ना उसकी बैटरी लो है और जो है ना बस चांस पे ही चल रहा है। बाकी ये है कि इनको ना इधर दूर से ना शावर कराते हैं ताकि जो है ना ज़्यादा करीब से रख के करेंगे ना तो ये बिल्कुल गीले हो जाएंगे। ये है कि यहाँ पर ना खड़े होके ही इंजॉय करें इस मिस्ट को, हल्का सा ना चूज़ों को भी लगा दें। और यहाँ पे हंसों का जोड़ा भी बैठा हुआ है, इनको भी जो है ना शावर कर देते हैं। बस चूजों को ना इतना काफी है। पिजन्स ना बकायदा बड़ा ही खुश होते हैं पानी में, इनको ना मैं ये ट्रे भर के दे देता हूँ जिसमें ना ये डुक्कियां लगाते रहते हैं। बाकी जो है ये मुर्गी है ना, ये थोड़ा सा ना हिचकिचाती है कि ये सब्राइड के जो सैंड डाली है ना ये गीली हो जाएगी ना, इनके लिए यही काफी है। चले पंप होने का ये तो फायदा हुआ ना कि जब बहुत ज्यादा हीट हुई ना तो इनको हल्की हल्की मिस्ट से ना नहला दिया जाएगा। तो गाइस शाम हो चुकी है और अब चलते हैं अपनी सेकंड ड्यूटी पे, यानी कि एक तो पार्सल मैंने डिस्पैच करवाने और दूसरा ये कि मुझे याद आया कि छत पे ना पानी नहीं लगाया, वो भी आज लगाना है, कोई एक काम हो तो फिर है ना। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।